नमस्कार दोस्तों, विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह दूसरा भाग है। पहला भाग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी जाएगी, उससे जाकर देख सकते हैं। यह दूसरा भाग है हमारे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक, सी कैरोलस नीलियस लिनियस और डी थियोफ्रेस्टास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक, क्योंकि रॉबर्ट हुक, जिन्हें कि हम कोशिका विज्ञान के पिता कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो कोशिका खोजी थी वो एक मृत कोशिका थी। एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी और कैरोलस नीलियस, जिन्हें हम द्विनाम पद्धति का जनक कहते हैं, इसी प्रकार जो थियोफ्रेस्टोस है वो वनस्पति विज्ञान के जनक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आरएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? तो जो आरएनए है उसमें चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, इसमें से जो थायमिन होता है, थायमिन नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर हम चार देखें, ऑप्शन देखें, तो ये चारों बेस जो हैं वो डीएनए में पाए जाते हैं और जो आरएनए होता है उसमें थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है, और डीएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है, अनुलेखन, द्विगुणन, अनुवादन या व्युत्क्रम लेखन। तो जो डीएनए से आरएनए का निर्माण की प्रक्रिया है वो अनुलेखन कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। चार और जो अनुलेखन दिए हुए हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए का निर्माण, द्विगुणन जो कि डीएनए से डीएनए का निर्माण, डुप्लीकेशन, अनुवादन, ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, और व्युत्क्रम निर्माण, व्युत्क्रम अनुलेखन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होता है? आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोक्रियाटिक कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जो प्रोक्रियाटिक कोशिका होती है उनमें से निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, केंद्रिका या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अविकसित होती है, उसमें ये सभी चीज़ें नहीं पाई जाती। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होती है, उसमें ही ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होता है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। चलिए हम देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन को। तो एक चरण में जो कि हमारा समसूत्री विभाजन पूरा होता है, दो चरण जो कि हमारा अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। इसलिए जो अर्धसूत्री विभाजन है वो कितने चरण में पूरा होगा? एक चरण में, अर्धसूत्री विभाजन एक चरण में पूरा होगा। जो अर्धसूत्री विभाजन है वो हमारा दो चरण में पूरा होगा। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको कौन नियंत्रित करते हैं? विटामिन। देख लेते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं जो है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, विटामिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और जो प्रोटीन होते हैं वो वृद्धि और विकास करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। सेवंथ नंबर का क्वेश्चन है, सुक्रोज
कौन से दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनना होता है? निम्न में से दो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। हम देख लेते हैं आगे। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज का निर्माण करते हैं। और ये किस में पाई जाती है? दुग्ध शर्करा में पाई जाती है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं और ये अंकुरित अनाज और बीजों में पाई जाती है। और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर, ग्लूकोज और जो फ्रुक्टोज है वो मिलकर सुक्रोज का निर्माण करती है और जो गन्ने में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? सोयाबीन, मूंगफली, मछली के तेल या अंडे? जो सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा होती है वो सोयाबीन में पर होती है। हम परसेंटेज के आधार पर चारों का देख लेते हैं कि किस में कितना परसेंट प्रोटीन होता है। सोयाबीन में 52%, मूंगफली में 26%, मछली के तेल में 16%, और जो अंडा होता है उसमें 13% प्रोटीन पाया जाता है। नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। बाकी के तीन नामों को भी देख लेते हैं हम, कौन सा किसका है। विटामिन B6 जो कि पायरोडॉक्सिन का है, विटामिन B9 फोलिक एसिड का है, विटामिन B12 जो कि साइनेकोबालमिन का, साइनेकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन B7 का। टेंथ वाला और जो कि आखिरी क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिनों का समूह कौन सा है? ए वाला ऑप्शन विटामिन A, B और विटामिन D, बी वाला ऑप्शन विटामिन B और विटामिन A, सी वाला ऑप्शन विटामिन C और विटामिन E, डी या डी वाला ऑप्शन विटामिन B और विटामिन C। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला, विटामिन B और विटामिन C, क्योंकि विटामिन B व विटामिन C जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं।